अभी आर एन आर प्रॉपर्टी से बात कर रहा हूँ नोएडा से। अभी जो हम लोग लोकेशन पे मैं आपको, मैं यमुना एक्सप्रेस वे पे खड़ा हूँ और आज के टाइम में यमुना एक्सप्रेस वे की बात करें, पूरी जो टाउनशिप है जे पी एस स्पोर्ट्स सिटी की टाउनशिप है। जे पी एस स्पोर्ट्स सिटी की बात करें आज के टाइम में, ये बोला तो टाउनशिप की बात करें 25 वगैरह कोई टाउनशिप बनी हुई है, ठीक है, जिसमें आज के टाइम में सबसे लो डेंसिटी एरिया आता है कहीं ना कहीं, ठीक है। आज के टाइम में इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है जो स्पोर्ट्स सिटी की लैंड की बात करते हैं, जिसके आज के टाइम में जो एफ एस आई होते हैं ऑलरेडी बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट होता है ऑलरेडी इसमें जो है 80% एरिया जो होता है वो ओपन होते हैं और 20% जो एरिया होता है उसमें कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है। तो अभी मैं बात करूँ, सामने आपका यमुना एक्सप्रेस वे आता है, ठीक है। यमुना से जो डिस्टेंस है, सबसे पहले आप जे पी एस स्पोर्ट्स सिटी के अंदर एंट्री करने के लिए बुद्धा सर्कल है, ठीक है। सामने आपकी गलगोटी यूनिवर्सिटी है, तो गलगोटी से जैसे आप एंट्री करते हो, ठीक है, एंट्री करते हो बुद्धा सर्कल आता है जो टाउनशिप है, जे पी के जे पी स्पोर्ट्स सिटी के गेट की टाउनशिप है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सर्कल आता है और सेकेंड सर्कल की बात करो तो हम लोग सेकंड सर्कल पर खड़े हैं, ठीक है। और आप देखोगे आपकी जो लेफ्ट साइड की बात करें, ठीक है, यहाँ पर आपका सामना फार्मूला वन बना हुआ है। ये फार्मूला वन जो हमारे टाउनशिप से देखी जाती है, हमारे सोसाइटी से देखी जाती है, सामने है, ठीक है। तो हार्डली जो 950 मीटर के आसपास डिस्टेंस पड़ता है। इसी टाउनशिप के अंदर हमारे पास दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एक तो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो है फैशन प्रीमियर के नाम से प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे पे। ये हमारा फैशन प्रीमियर है, लोकेशन देखो सामने दिख रहा है आपका, ठीक है। इसके अंदर ये लैंड बैंक की बात करें, ठीक है, 3.7 एकड़ की इसमें लैंड है, जमीन प्लॉट साइज है इसका, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 3 टावर बना रहे हैं। टावर ए का जो काम अभी है, ठीक है, वो 16 फ्लोर पे काम चल रहा है और सामने इसका जो सामने फार्मूला वन दिखता है, ठीक है। टावर बी और सी की पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है 2 BHK बना रहे हैं और टावर ए में सारे बड़े साइज मिलेंगे आपको, ठीक है। साइजेज की मैं यदि मैं बात करूँ, जो अभी अभी करेंटली जो इनके पास इन्वेंट्री बची है वो 2219 स्क्वायर फीट में 3+ सरमेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। 2604 में है सबसे प्रीमियम टावर हमारा फ्लैट से, वो ठीक है 3+ सरमेंट है इसके अंदर है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो इसके टावर जो होता है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग जो आ जाता है, ठीक है, जो 2594 है, ठीक है। उसके बाद में देखोगे तो 2219 स्क्वायर फीट के आसपास का है और इसमें 2 BHK का एक लार्जेस्ट साइज है 1685 का, ठीक है। टावर बी और सी की बात करें उसमें सारे 2 BHK फ्लैट्स हैं, ठीक है। उसके अंदर जो देखा जाता है अभी जो इन्वेंट्री मिलेगी आपको 1271 मिल जाएगा आपको और 1435 और 1468 स्क्वायर फीट का एरिया मिल जाता है, ठीक है। तो फ्लैट जो देखा जाता है काफ़ी इस प्रीमियम बना के दे रहे हैं, क्योंकि यमुना पे जो देखा जाता है अभी की मैं बात करूँ तो यमुना पे कोई भी प्रीमियम प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, ये पहला टाउनशिप होगा। आप अपकमिंग डेवलपर काफ़ी सारे हैं जो आज के टाइम में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी मैं टावर की हाइट की बात करूँ, टावर ए जो मेरा है वो 29th फ्लोर का हाइट है, ठीक है। टावर बी जो हमारा है वो 28th फ्लोर की हाइट है और टावर सी जो है वो है 23 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसके अंदर ऑलरेडी इसमें 3 क्लब बना के दे रहे, काफ़ी खूबसूरत क्लब है, ठीक है। टावर ए में जो लॉबी एरिया जो देखा जाता है वो डबल हाइटेड लॉबी है जो 13,200 स्क्वायर फीट की पूरी लॉबी एरिया आता है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पर पूरी आपकी क्लब हाउस है, 21 फ्लोर पर है और इसके अलावा हम लोग टेरिस पर आपका क्लब हाउस दे रहे हैं, ठीक है। पार्किंग की बात करें, पार्किंग इसके अंदर जो है ग्राउंड फ्लोर पर कोई फ्लैट नहीं है तो स्टील पार्किंग प्लस -1 -2 में भी पार्किंग है। तो हमारे पास पर फ्लोर के हिसाब से देखा जाता है, पर फ्लैट के हिसाब से देखा जाता है तो पार्किंग हमारे पास जस्ट डबल है, ठीक है। फ्लैट की बात करें टोटल इसके अंदर जो फ्लैट बन रहे हैं वो 411 फ्लैट है, ठीक है। और पार्किंग जो देखी जाए 850 के आसपास में हमारी पार्किंग है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो कॉन्सेप्ट है पूरी सेफ जो बिल्डिंग की है वो पूरे एफ सेफ में बनी है, ठीक है, क्योंकि फैशन टीवी से हमारा टाइप है तो जो बिल्डिंग है जो सेफ जो देखा जाता है पूरी कहीं ना कहीं फैशन टीवी से टाइप है, ठीक है। अभी जो देखोगे हमारे पास एक 2 BHK हमने फ्लैट रेडी कर रखा टावर सी का, ठीक है, मैं उसको उसका टूर करा देता हूँ आपको। इसके अलावा मैं पेंशन की डेट की बात करें तो टावर बी और सी की बात करें तो 6-7 महीने में हैंडओवर है, टावर ए का जो पोजीशन है वो 1 साल में है, ठीक है। सबसे अच्छी बात है इसमें पेमेंट प्लान काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आपको, पेमेंट प्लान जो अभी चल रहा है इसमें आपको वो 30-70 चल रहा है, 30% अभी इन्फ्रंट दे दो, ठीक है, 70% आप बैंक पैसे डिमांड करें तो कोई डिमांड आपसे बीच में नहीं आ रही है, ठीक है। लोन इसमें 80% लोन अवेलेबल है, ठीक है। रेट की बात करें जो बेसिक रेट हमारे पास टावर ए का जो आता है वो 6890 का आता है पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। और जो टावर बी और सी की बात करें 6290 का आता है, 6290 है और 6890 है, प्लस इसमें 850 का एवरेज चार्जेस है प्लस GST है, ठीक है। तो इस टाइप की टाउनशिप आज के टाइम में जो देखा जाता है, डेवलपर की बात करें तो कोई नहीं बना रहा है, अपकमिंग डेवलपर जो लॉन्च कर रहे हैं वो काफ़ी महंगा लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि उनकी लैंड कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा गिर रहे हैं, ठीक है। अभी जो आज के सामने इसक ने अभी जस्ट लॉन्च किया अभी से 22D के अंदर वो मिनिमम जो लॉन्च कर रहे हैं वो 8,000 रुपये का UI ले रहे हैं, ठीक है, उसके मुकाबले काफ़ी खूबसूरत हमारी टाउनशिप है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट्स लिखे जरूर, ठीक है। आपको मैं अभी टूर करा रहा हूँ आपको 2 BHK फ्लैट का और 3 BHK फ्लैट का, ठीक है।